जब कल गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि यहाँ पे गाजीपुर में जो प्रोटेस्टर्स है, जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको ये जगह खाली करनी पड़ेगी, तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि शायद ये आंदोलन अभी खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्रेशर भी था यहाँ पे जो लीडर्स थे, लेकिन एम वक्त पे जो फार्मर लीडर यहाँ के राकेश टिकायत हैं, उन्होंने मीडिया पर्सन से बात की और वो रो पड़े और उन्होंने बोला कि वो मरना प्रेफर करेंगे लेकिन ये जो आंदोलन है इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। ये सुन के जो किसान चले गए थे 26 जनवरी के बाद, 26 जनवरी में जो हादसे हुए थे उसके बाद बहुत सारे किसान चले गए थे और वो किसान वापस आ गए, और ये किसान वेस्टर्न यूपी से और हरियाणा से भी है। हमारे साथ एक ऐसा ग्रुप है जो रोहतक से आया है, कल आए हैं आप लोग। सर क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सुमित नाम है भाई। आप बताइए कि कल ऐसा क्या हुआ, कैसे आप आए यहाँ पे, उसके पहले क्या हुआ? भाई पहले क्या हुआ, हमारे ताऊ जी भाई ये रोते नहीं देखे गए, हम दो उसी टाइम में रोहतक से निकल लिए थे भाई, बाकी और हमारे यार दोस्त जो वो भी चल रहे, बाकी हमारे हरियाणा के हरे गाँव से आज आदमी आएंगे। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? सुमित नाम। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ, स्टूडेंट हूँ। आप बताइए कि जैसे यहाँ पे कल जो उन्होंने जो मीडिया में दिखाया गया, फिर राकेश टिकैत जी वो रो पड़े, उसके बाद गांव-गांव में ये एक माहौल शुरू हुआ कि दिल्ली जाना है, ये क्या हुआ वहाँ पे, उसके बाद क्या हुआ बताइए? अपने ताऊ टिकैत जी जो बकल भावुक हुए तो हरियाणा में दिल में आवाज ठुकी, सब गांव पंचायतें हुई, कल रात को मीटिंग हुई है, मुनादी हुई है, भाई गाजीपुर बॉर्डर पहुंचो, अपनी लड़ाई है, ये हमारे नेता है और सच किलाई लड़ रहे हैं, अपने किसान नेता है, अपने किलाई लड़ रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है इनका साथ दें, कदम से कदम मिला के साथ चले इनके, हम साथ नहीं तो कौन साथ है, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हम एक राजनीति के दूर होकर अपने साथ देने आए हैं, बॉर्डर पर जब तक रहेंगे जब तक ये तीन काले कानून वापस नहीं हो लेते। क्या नाम है आपका? सुनील नाम है। सुनील जी क्या करते हैं आप? हम जमींदार हैं। अच्छा, एक बात बताइए सुनील जी, और आपसे भी पूछना चाहेंगे कि 26 जनवरी को जो हुआ था वो अनफॉर्चुनेट था, जैसे वो प्रोटेस्ट हाथ से निकल गया था उससे सीख भी बहुत मेरी बात सुन लीजिए, उससे सीख भी बहुत है, इस बार ऐसा क्या करेंगे जिससे सतर्क रहें कि वैसा चीज ना हो, क्योंकि इस बार भी किसान इकट्ठा होंगे, इस बार भी युवा इकट्ठा होंगे। ना इस बार ऐसा नहीं होगा, जो पिछली बार ये बीजेपी वालों ने करवा था, इस बार पूरे सावधान तरीके से रहेंगे, और जो ये करवाया था उसी दूसरी धुने वो मोदी का और सनी देओल का ही खास आदमी, उसी ने किया जो कुछ भी किया, और उसमें कोई भी किसान शामिल नहीं था। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि अभी प्रेशर है, FIRs भी रजिस्टर्ड हुई है, लुकआउट नोटिसेस भी हैं और शो कॉज नोटिसेस भी है, कि मतलब आप समझाएं कि पुलिस ने दिया है जो लीडर्स को, तो इसके बाद में ये जो पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, तो आपको क्या लगता है आगे जाके ये बीजेपी का प्रोपेगंडा है, ये सोचते कानून को जो अपना ये आंदोलन है इसको कमजोर कर दे, खुद इनके दल्ले जो दल्ले इनके खुद यह आंदोलन को खराब कर रहे हैं, हमारे किसान बीच में आ गए, किसान एक सच्चा आदमी है, अपने शांतिपूर्वक धरने बैठा है और अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, और आगे अपनी लड़ाई जारी रखेगा शांतिपूर्वक, हम शांतिपूर्वक हैं, हमें कोई इंसानी की जरूरत नहीं है, हम अहिंसावादी आदमी है, हम अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना भविष्य देख रहे आगे। तो ये थे एक ग्रुप जो कल बाद वो बोल रहे कि जो टिकायत का जो इंटरव्यू था और फिर उन्होंने जो रो पड़े उसके बाद वो देख के उनसे रहा नहीं गया और वो यहाँ पे गाजीपुर आ गए। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो टीवी पे ये सब चला इसके बाद जो गांव-गांव में लोग मोबिलाइज होना शुरू किए और वो अभी गाजीपुर में आ चुके हैं, कई लोग अभी भी और आ रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी यहाँ पे माहौल कैसा है, ऑब्वियसली मीडिया पर्सन तो है ही, उसके साथ साथ काफ़ी लोग आए हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से और हरियाणा से टिकायत के क्लैरियन कॉल के बाद, और यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेज आगे है, वहाँ से जो लीडर्स हैं वो एड्रेस कर रहे हैं और यहाँ पे पूरी भीड़ बनी हुई है। सिर्फ यहाँ ही नहीं, मैं अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूँगा वो अगर इस साइड पे दिखाएं कि इस साइड भी पूरे जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज है उसकी जो लाइन है वो बनी हुई है। फिलहाल अभी गाजीपुर में थोड़े एक लल के बाद जो कल आया था अभी फिर से वो माहौल जो है वो फिर से एक बार ताज़ा बन गया है।